हेलो गाइस जी, वेलकम बैक जी ब्रांड न्यू व्लॉग में जी। कैसे उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे जी। सो गाइस, आपको बता दें कि हमारे साथ बड़ी एक फिल्म हो गई है। रात को हमारा प्लान था गोवा जाने का और दोपहर को हमारा छोटा भाई मेरे चाचू का बेटा वो भी आया था और यहाँ से मतलब गोवा जाने के लिए काफ़ी बड़ी उन्होंने गाड़ी का भी इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन हमारे साथ फिल्म हो गई कि हम रात को निकलेंगे, तो मैं रात को प्रोग्राम पे था तो वहाँ से वापस आया तो जनाब वो गाड़ी आई नहीं। तो फिर वो ये हो गया जी, नाता तो तमुंडा घर ही रह गया। तो देखे जी, कटिंग शटिंग मैंने भी कराई, मैथ्यू भी, शकील भी एकदम रेडी हुआ था, लेकिन सारा प्लान मर गया। तो वेलकम बैक हो गया जी। अभी चलते हैं, बस उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है तो छत पे आए हैं। ज़रा मौसम बड़ा अच्छा था, हवा चल रही है धूप। हाँ जी, इलेक्शन मैथ्यू फेथ कह रहे हैं जी, इलेक्शन देखने जाना है तभी जी। शकील का भी वोट तो सलामत का ही है, मेरा भी सलामत का ही, बस अभी चेक करते हैं। शकील चेक कर रहा है, वो चेक कर ले तो फिर पता चलता है। तो फिर चलते हैं, वोट डाल के आते हैं जनाब आज, क्योंकि प्रोग्राम गाँव वाला तो बढ़ गया ना। जी एट वन इस्लामाबाद का चले नहीं जी, 47 चले जी। प्लान बनाते हैं, चलते हैं जनाब उधर, वोट शोट डाल के आते हैं। उठ मामा ते काम दे जा, मैं कुछ लेना है और मामा ते काम दे जा, ते फिर चीजू ले लेंगे। ओ ठीक ठीक है, चूल्हे लाएंगे। गाइस आपको दिखाते हैं शकील भाई का टैटू। ये शकील कितना अरसा हो गया टैटू बनवाए? तकरीबन हो गया 4-1 साल। 4 साल हो गए हैं जनाब। ये लड़की की तस्वीर है और इसी तरह ये बाजू पे भी दिखाओ जनाब, कहीं और भी जगह पे है टैटू? हाँ। खाने वाली नहीं, ऐसे है कि फाइनली तकरीबन 2 घंटे आज, क्योंकि नेटवर्क भी बंद है ना, तो वो लिस्ट चेक करने के लिए बड़ा हमें वेट करना पड़ा। तो पहले हमने चेक नहीं की और अभी असल में नेटवर्क आपको पता सारा बंद है। तो शुक्र है खुदा का कि शकील का वो लिस्ट से नाम मिल गया। भाई वोट डालने गया, फिर मैं जाऊँगा दूसरे सेक्टर में, मेरा है तो फिर मैं जाऊँगा वोट डालने के लिए, बस शकील आता है फिर। सो गाइस, शुक्र है खुदा का जनाब शकील का वोट लिस्ट से नाम मिल गया। तकरीबन 1.5 घंटा हम वेट करते रहे और अभी हम दूसरे सेक्टर में आए थे तो वहाँ से हमें मिल गया उसका नाम। अभी शकील गया वोट डालने, उसके बाद फिर मैंने दूसरे सेक्टर में जाना है क्योंकि मेरा वोट वहाँ का है, तो फिर वहाँ जाके वोट डालेंगे। बस आता शकील तो फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, शकील भाई का तो आपको पता है कि उसने वोट डाल लिया, उसका लिस्ट से नाम मिल गया था। मेरा नाम नहीं था मिल रहा, मैं आगे आया तो जनाब आगे तो फनकारों की टोली बैठी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ है मंजूर भाई और नदीम भाई, नदीम भाई और इधर दोद भी था, दोद। ये सारे फनकारों का टोला इकट्ठा है और अभी बस लिस्ट से अपना नाम देखते हैं तो फिर वोट डाल के आते हैं। ये हम हुक्मरान चुन रहे हैं, ये देखें हमने लिस्टें वगैरह रखी हुई हैं, ये सारे मिलकर आज हम जो है ये कौम की बेटी सिस्टर सनिया यूनुस की सपोर्ट कर रहे हैं और ये देखें हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप भी गाइस, ऐसे था कि अभी लिस्ट से नाम तो मिल गया था, मैं अभी वोट डालने जा रहा था लेकिन
भाई मंजूर मुझे यही कह रहे थे कि खाना खा के जाना। भाई कब का आपका खाना कब आ रहा है जनाब? हमारा खाना अभी हम वेट कर रहे हैं, तो जल्दी आ जाएगा। मतलब अभी टाइम ही हो गया भाई, अनिल भाई को मैंने इसीलिए बिठाया हुआ है कि खाना आएगा तो मिलकर खाएंगे। बस जैसे ही खाना आता फिर खाना खा के तो वोट डाल के आते, फिर खाना खवा दोगे ना फिर वोट तुम पावांगे। ठीक है जी, अभी हम वहाँ से फ्री हो गए थे लेकिन बच्चे कह रहे थे कि ये रास्ते में आता है हमारे एक पार्क, ये देखे तो ये कहते हैं जी हमें झूले लेने ही लेने हैं। तो अभी आए हम इस पार्क में, बच्चे थोड़ी देर झूले लेते हैं फिर घर चलते हैं। मोए मोए ये आ मैसी खुद निकल आएगा, मैसी बहुत तेज है। चल फेद इधर चला रहा मैं। हेलो गाइस जी, वेलकम बैक हो गया जी। सो गाइस ऐसे है कि आज का सारा दिन तो ये वोटिंग वगैरह में ही गुजर गया, तो बस आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि सभी ने वोट वगैरह डाले। और उसके अलावा बस आपको बताया सो कि प्लान तो था हमारा गोंड जाने का, लेकिन वो सारा प्लान ख़राब हो गया क्योंकि वो गाड़ी नहीं आई, तो इस वजह से फिर मैं मतलब गोंड नहीं जा सका। तो खुदा का शुक्र है कि चले यहाँ ही वोटिंग वगैरह कर ली तो वो डाल दिया। तो आप कमेंट्स में भी बता, मैं तो एक्साइटेड था ही गोंड जाने के लिए, मैथ्यू फेथ हाल से ज़्यादा, तो बड़ा दिली तौर पर हम खुश थे कि हम मतलब गोंड जाएँगे और आपको अपना घर भी दिखाएँगे गोंड वाला, और अपनी फसलें वगैरह भी दिखाएंगे। असल में गेहूँ जाने के लिए हम इसलिए एक्साइटेड थे कि मतलब एक वीक में कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहाना ही बना था कि मतलब हम जा रहे हैं तो चलो इसी बहाने हम अपना गेहूँ भी घूम लेंगे। तो मेरा फुल प्लान था कि मैं आपको ब्लॉग भी दिखाऊँगा, अब ब्लॉग बनाऊँगा और ब्लॉग में दिखाऊँगा जी अपना घर दिखाऊँगा और अपनी फसलें वगैरह सारा कुछ दिखाऊँगा। लेकिन कोई नहीं, जैसे ये अभी फसल की कटाई होगी तो फिर हमने जाना गेहूँ, तो फिर आपको अपना गेहूँ भी दिखाएंगे और अपना स्कूल ये गलियां मोहल्ले घर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। और बड़े एक्साइटेड थे लेकिन प्लान तो बढ़ गया। हाँ जी, सो गाइस ऐसे है कि आप अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, लाइक शेयर कमेंट्स किया करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर किया करें ताकि इसी तरह आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। और इसी तरह आप बताया करें कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, बताया करें कमेंट्स में ज़रूर राय अपनी राय दिया करें, तो क्योंकि फिर इस तरह हमें भी पता चले जनाब हमारा ब्लॉग देखा जाता है और आगे से प्यार भी मिलता है। और देखिए आपके लिए हम मतलब प्रोग्राम्स की वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, ब्लॉग्स वगैरह टिकटॉक ये सारा कुछ चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और आपका प्यार चाहिए जनाब, आप सबका जितने भी देखने वाले हैं।